मेरा नाम अमित मलिक है। मुझे कोलेटरल कैंसर डिटेक्ट हुआ था। इसके पीछे एक लंबी कहानी ये है कि मुझे स्टार्टिंग में स्टमक इन्फेक्शन लग रहा था, मैं उसका इलाज करा रहा था। कराते कराते इस इलाज को मुझे नहीं पता किस तरीके से तबीयत बिगड़ी, क्योंकि काफ़ी डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने अपने तरीके से ट्रीटमेंट किया, किसी ने किस तरीके से ट्रीटमेंट किया, उस सिचुएशन में काफ़ी चीज़ बिगड़ी। जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो मैं को किसी ने नारायणा हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड किया, मैं यहाँ पर आया। इन्होंने सब टेस्ट वगैरह किए तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका कोलेटरल कैंसर है काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर। जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, मैं बहुत घबरा गया, मेरी फैमिली तक को घबराहट हो गई। हम लोग ये सोचने लगे कि इतनी प्रिकॉशंस, इतनी सेफ केयर करने के बावजूद भी मुझे क्यों कैंसर हुआ, क्योंकि ना तो मैंने कभी तंबाकू लिया, ना मैं कभी कोई शराब का सेवन करा, ना ही मैं नॉनवेज खाता हूँ, फिर भी ये सब चीज़ें क्यों हो गई। सोचने के लिए काफ़ी कुछ था, क्योंकि पीछे फैमिली बैठी है, बच्चे भी हैं मेरे जिनको मुझे देखना भी है। तो ये सब एक घबराहट और एक डर था, जिसके वजह से मैं ट्रीटमेंट से भी घबरा रहा था, मैं इलाज कराने से भी घबरा रहा था। बट थैंक्स टू नारायणा हॉस्पिटल और उनका स्टाफ, जिसने मुझे इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया कि नहीं, आप ठीक हो सकते हो, आपके अंदर अभी भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जिसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं। अमित इज़ अ यंग चैप। अमित शुरू से ही काफ़ी पॉजिटिव रहा है और उसने शुरू से ही अपने डायग्नोसिस को बहुत ईजिली एक्सेप्ट किया है। डायग्नोसिस वॉज स्टेज 4 कोलॉन कैंसर, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन का ट्यूमर, एंड दैट ट्यूमर वॉज स्प्रेड विद इन द टमी एज वेल एज इन द लंग्स। तो वो करीब आज 12 मंथ्स हो गए हैं, ही हैज़ बीन ऑन कीमोथेरेपी, डिजीज़ हैज़ बीन वेल कंट्रोल्ड, एंड सारा ट्रीटमेंट जो है फर्स्ट वेव के अराउंड या पैंडमिक के अराउंड ही स्टार्ट हुआ। नाउ ही वॉज डूइंग वेल ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव, बट इन सेकेंड वेव ही यूज़ टू वर्क फ्रॉम होम, ही वॉज डूइंग सम वर्क विच ही कुड डू इट फ्रॉम होम। अब सेकेंड वेव के वक्त अनफॉर्चुनेटली ही हैड फीवर, एंड येस ही वॉज वेरी पैनिक कि कोविड पॉजिटिव डायग्नोसिस हुआ। नाउ ड्यूरिंग कोविड ही वॉज एट होम, टेली कंसल्टेशंस के थ्रू वी मैनेज्ड हिम, एंड सपोर्टिव केयर एंड रूटीन मेडिसिन दे के ही कुड कम आउट। वी जस्ट गेव हिम सम ब्लड थिनर्स एंड माइल्ड ओरल एंटीवायरल्स, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम डेफिनेटली कीमोथेरेपी होल्ड रहा, बट 2 या 3 वीक्स तक कीमोथेरेपी वॉज अपहेल्ड। नाउ आफ्टर दैट ही इज अगेन बैक ऑन ट्रैक, ही हैज स्टार्टेड कीमोथेरेपी, टॉलरेटेड द डोज पोस्ट कोविड वेरी वेल, एंड ओवरऑल फॉर्चुनेटली कोई ऐसा सीक्वल है पोस्ट कोविड अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी एंड सफरिंग फ्रॉम कोविड, इट हैज़ नॉट बीन देयर, एंड ही जस्ट हैड अ माइल्ड कोविड इन्फेक्शन विच वॉज मैनेज्ड एट होम। मेरे इलाज में मुझे इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया, मेरे को काफ़ी हाई एंड पे रखा, पॉजिटिव रखा, जिससे कि जब भी इलाज हो, क्योंकि इसका इलाज एक इतना मुश्किल इलाज है कि आपको ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी नेगेटिविटीज़ आती हैं, काफ़ी कुछ आती है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं आया, मैं काफ़ी खुश हूँ यहाँ से काम ट्रीटमेंट करवा के। ही इज़ नाउ ऑन अ टारगेटेड थेरेपी एंड ओरल कीमोथेरेपी टैबलेट, एंड ऑफकोर्स इट इज़ अ डिजीज़ विच इज़ वेल अंडर कंट्रोल, एंड आई जस्ट विश कि अमित का ट्रीटमेंट इसी तरह से ओरल टैबलेट्स एंड एक इंजेक्टेबल जो कि उनको 3 वीक्स में एक बार लगता है, दैट टारगेटेड थेरेपी कंटिन्यूज एंड हिज डिजीज़ रिमेन्स वेल अंडर कंट्रोल फॉर द कमिंग मंथ्स। एक बात काफ़ी इंटरेस्टिंग ये है कि हम लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि किसी का भी इलाज कराने से पहले हम लोग घबराते हैं कि भाई हमारे साथ क्या होगा आगे चल के, हमारा फ्यूचर कैसे जाएगा, हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ जाइए, उसके बारे में उनसे पूरी डिस्कशन करिए, वो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेंगे। आपको तभी इलाज शुरू कराइए जब आपको डॉक्टर के साथ मिलने से आपको खुशी मिले, क्योंकि डॉक्टर ही एक ऐसा इंसान है या ऐसा व्यक्ति है जो आपको एक ऐसी स्थिति से बाहर निकालने में हेल्प कर सकता है जिससे आप गुजर रहे हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर से खुल के अपनी बात को शेयर करिए। मुझे पता है डॉक्टर, मैंने मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि डॉक्टर आपको सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे, जैसे डॉक्टर रणदीप सिंह और उनकी टीम ने मेरे को सेटिस्फाई किया है। आई एम सो हाईली डीपली ग्रेटफुल टू देम कि मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उनकी टीम ने मुझे जिस तरीके से ट्रीटमेंट दिया है, अपनी लव दिया, पूरा केयर दिया, डिवोशन दिया है इस पूरे इलाज को खड़ा करने के लिए।